निकल हुआ है, रात 12 बजे से जागे हुए, इतने सब पानी में डूबे हुए हैं, खाना पीना जितना राशन पानी सब बह गया, समझे? आई ज्योति मलाया घटक ममता बनर्जी कुछ करते हैं, रोज आता है नाला देखने के लिए, नाला देखता है, देख के चला जाता है, वही नाला गड्ढा हो जाता था, जितना पानी नहीं घुसता, हम लोग इतना नहीं बर्बाद होता सामान, बोलिए इतना वो सामान बर्बाद हो, कौन भरपाई करेगा बताइए? हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे, इतना सामान हम लोग बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, अब बताइए क्या करें? रात 12 बजे से हम लोग ऐसी पानी में खड़े हुए, ना बैठने का जगह है ना खड़ा होने का जगह, हम लोग बताइए क्या करें? आप लोग कुछ मसला निकालिए, कुछ मसला हल करिए, अंदर आके देखिए हाल कैसा है, घर का हाल देखिए कैसा, सब गिर गया, पड़ गया, बह गया, सब चीज एकदम बर्बाद हो गया, छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएंगे ले लेके हम लोग? बच्चे लोग को बताइए आप, इतना पानी में हम लोग किधर जाएंगे बच्चा लोग को ले लेंगे? बताइए, चावल आटा आलू के सब बोलिए, बोल नहीं सक रहे, कुछ नहीं है घर में राशन के, हम लोग खाएंगे कौन चीज? लाइट से परेशान है, ऊपर से बारिश का पानी से परेशान है, कम से कम कुछ तो आप लोग कीजिए हम लोग के लिए। देखिए भैया रात भर से हम लोग परेशान है, घर का अंदर देखिए कितना पानी भीग गया है, नाला ये देखिए पलंग देख सकते हैं, ये पलंग देखिए हम लोग का पलंग कितना भीग ये हो गया है, डूब गया ना, डूब गया है, नाला कम से कम 3 से 4 फुट है, उसको कम से कम 7 से 8 फुट करना चाहिए, जो अवेलेबल पानी नहीं हो, आप नाला जाके देख सकते हैं अवेलेबल पानी हो गया है, और हम लोग रात भर से जागे हुए, अभी तक हम लोग कुछ खाए नहीं, ना कुछ खाए ना पिए, कुछ भी नहीं किया। हमारा यहाँ कंसलर है बिकू ठाकुर, वो तो अभी तक कुछ तो किया नहीं, कोई काम भी नहीं किया, कोई काम नहीं, एक बार भी कोई यहाँ से आता है, टीएमसी का पार्टी जो भी है थोड़ा बहुत आता है, तो वो लोग बेचारा लोग यहाँ का कंसलर भी नहीं है, फिर भी आता है तो बहुत कुछ करके जाता है वो लोग, और यहाँ का बिकू ठाकुर है तो वो कुछ कर रहे नहीं। ये दिखा रहे हैं, देखिए गाड़ी पूरी तरह से डूब चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये आंगन नुकसान हुआ घर में, ये देखिए अंदर देखिए ये टूट चुका है पूरा है? ये पलंग देख सकते हैं, ये देखिए आंटी क्या बोल रही है, सामान बर्बाद हो गया, देखिए पूरा सामान, देख पूरा सामान बर्बाद, लाइन तक नहीं है कि लाइन आदमी रहेगा तो ही करेगा, बताइए। देखिए कुआं तो यहाँ पे है लेकिन कुआं नजर नहीं आ रहा है, इतना पानी है कि देखिए यहाँ पे कुआं है, एक कुआं है यहाँ पे, कुआं देखिए कुआं है, देखिए देख सकते हैं, लेकिन कुआं नजर ही नहीं आ रहा है, देखिए देख सकते हैं कितना मुश्किल हालात में लोग रह रहे हैं। आप लोग से गुजारिश है कि कॉर्पोरेशन के लोग से गुजारिश है, कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चटर्जी जी से गुजारिश है कि अपने कॉर्पोरेशन के कर्मचारी को भेजें और नाला का कुछ व्यवस्था लगाएं, ताकि नाला अगर डीप हो जाएगा तो पानी अवेलेबल इतना घरों में नहीं रहेगा, लोग परेशान नहीं होंगे, इसलिए आप लोग से कॉर्पोरेशन से गुजारिश है कि अपना कर्मचारी को भेजें ताकि नाला को डीप कराएं, कम से कम 7-8 फुट नाला को कम से कम कराएं। देखिए हाल देख सकते हैं आप लोग, कितने लोग परेशान है, रात भर से सोए नहीं है, देख सकते हैं घर, देख सकते हैं ये लोग का घर, कितने लोग परेशान देख सकते हैं, देखिए देखिए सीढ़ी में लोग बैठे हुए हैं, कितने मुश्किल से बैठे हुए लोग, आप लोग देख सकते हैं। बस रिक्वेस्ट इतना है कॉर्पोरेशन से कि अपना कर्मचारी भेज के, नाला जो है इसके पीछे नाला है एक आसनसोल में दिलदार नगर में नाला है हम लोग का, वो नाला 3 फीट की नाला है, अगर वो नाला को 7 या 8 फुट कर दिया जाता तो नाला में मतलब पानी इतना अवेलेबल देख सकते हैं इतना नहीं रहता, नाला से पानी अपना रास्ता बना के निकल जाता, बट कॉर्पोरेशन के लोग 3-4 साल से आ रहे हैं और सिर्फ आके देख रहे हैं, नाप रहे चले जा रहे हैं, मतलब कुछ मसला का हल नहीं निकल सक रहा है, और यहाँ के काउंसिलर है बिकू ठाकुर, वो तो कुछ काम का है ही नहीं, उसको वो तो रहता ही नहीं है, वो तो कहीं यहाँ उसको फुर्सत ही नहीं है, उसको तो सिग्नेचर कराने उसको सिग्नेचर कराने के लिए लोग बिकू ठाकुर, हम परसों तो बोला था कि नहीं है बिकू ठाकुर, एक हफ्ता बाद आएगा बम्बई किया घूमने के लिए, सिग्नेचर करवाएंगे एक हफ्ता बाद बता था, हम लोग भी बोलेंगे कि आप आइए तब बताएंगे, एक हफ्ता बाद हम भी कुछ करेंगे, और कॉर्पोरेशन से या कुछ जगह से भी कुछ राशन वगैरह मिलता है तो सिर्फ बिकू ठाकुर मुंह चीन के देता है आदमी को। यहाँ हम लोग के मुस्लिम इलाका है, ये मुस्लिम इलाके में एक जरा कुछ नहीं मिलता है, बस मुंह चीन के दिया जाता है, यहाँ तो टीएमसी की सरकार है, बट टीएमसी तो कुछ भी बांटती है तो मिलता है, ऐसा तो बात नहीं है, कुछ भी मिलता है, मतलब सबको मिलता है, किसी जात पात को देख के धर्म को देख के कुछ नहीं मिलता, सबको मिलता है, लेकिन हम लोग के वार्ड के जो काउंसिलर है बिकू ठाकुर वो सिर्फ धर्म और जात को देख के देते हैं, बताइए
ये इसमें किसका धर्म पूछिएगा आप, ये जो बारिश में से घर जो डूबा हुआ है, या कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन क्रिश्चियन कौन सिख है, ये सब तो बराबर है ना, तो सबको एक नज़र से देखना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सब मिलके ना साथ देगा उसका। तो यहाँ पे मतलब कि शकल देख के, ये मुसलमान है तो सिग्नेचर नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप लोग, अभी जैसे हुआ तो बिकू ठाकुर अगर आसनसोल में होंगे भी तो मुस्लिम इलाका में बिकू ठाकुर देखने के लिए नहीं आएंगे। ये हमको क्या क्या दरकार है, कुछ जाना नहीं है, मुस्लिम इलाका जाना नहीं। ये लोग का कहना है बस यही है कि यहाँ के काउंसलर से रिक्वेस्ट है कि वो हम लोग का यहाँ पे आए, और जो हम लोग 12-11 बजे रात से जागे हुए हैं, कुछ चाय ना पानी कुछ नहीं पी रहे हैं, बैठने का ही नहीं है, तो कम से कम कुछ संविधान निकाले उसका। और ये मेन रोड है हम लोग का रास्ता जी जी, और ये नाला जी, नाला का परेशान पानी देखिए कितना है, ओवरब्रिज पानी जा रहा है, नाला साफ कराओ बस ठीक हो जाएगा। वो नाला डीप कराने पड़ेगा, नाला को डीप करा दीजिए, कम से कम 7-8 फुट पानी अपने नहीं आएगा। मलाई घटक से हम अपने हाथ जोड़ के बिनती करते हैं, बस आप यही कीजिए कॉर्पोरेशन के आदमी को भेज के ये नाला को थोड़ा गहराई कीजिए, या नाला को थोड़ा ऊंचा कीजिए, 7-8 फुट होना चाहिए। ये हमारा घर देखिए, रात भर से परेशान है, ये मेन रोड का हालत देखिए क्या हो रहा है, और थोड़ा सा आगे आइए आपको हम नाला दिखलाते हैं। ये स्कूटर देख सकते हैं, स्कूटर पूरी तरह से डूब चुकी है, ये देख सकते हैं लोगों के घर में। आसनसोल वार्ड नंबर 41 दिलदार नगर में मतलब कि इतना बड़ा जनसैलाब मतलब नहीं हुआ है जैसा हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए हमारा नाला पूरा डूब जा रहा है, अब परेशान पे पानी है, उससे आगे नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम भी टना सकते हैं, इतना परेशान पानी है वहाँ पे। नाला है देखिए, नाला नजर नहीं आ रहा है, ये मतलब एक घर है, ये 5 फुट की दीवार है घर में, हम दिखा सकते हैं आपको, ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए पूरा डूब चुका है, देख सकते हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि कॉर्पोरेशन के कर्मचारी आए और लोगों की हेल्प करें, ताकि किसी तरह का किसी को दिक्कत ना हो, बस यही कहना चाहते हूँ, धन्यवाद।